तो चलिए अब आपको बता दें, आपने रिपोर्ट देखी, किस तरह का उत्साह, किस तरह का उमंग देखने को मिल रही है, लेकिन दर्शकों को ये जानकारी भी बता दें कि 22 तारीख को होना क्या है और किस तरह की तैयारी की गई है 22 जनवरी को खास बनाने के लिए। आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या वही लोग आएंगे जिनको न्योता दिया गया है, हालांकि जो आम लोगों की एंट्री है वो अभी से 20 के बाद बंद हो जाएगी, सिर्फ निमंत्रण देने वाले लोगों को ही जिनको मिला है वो लोग यहाँ आएंगे। अतिथियों को सुबह 11 बजे तक जन्मभूमि परिसर में पहुंचना होगा, यानी मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे तक पहुंच जाना होगा। इसके अलावा अब तक 50 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन की जो डिमांड है वो आ चुकी है कि हमारे यहाँ पर उतरेंगे। 50 से ज्यादा खास मेहमान तो आ रहे हैं अपने चार्टर्ड प्लेन के जरिए, ये भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। चार्टर्ड प्लेन को सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ की परमिशन मिली गई है। इसके अलावा पार्किंग गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ में होगी। जो पार्किंग है जो चार्टर्ड प्लेन की है वो गोरखपुर के अंदर होगी, प्रयागराज के अंदर होगी, वाराणसी के अंदर होगी, जो नज़दीक लगते हुए ज़िले हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर के अलग अलग ब्लॉक में अतिथि बैठेंगे। कई ब्लॉक में बांटा गया है परिसर को और उसमें अतिथियों को बैठाया जाएगा जब परिसर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा अतिथियों को प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रसाद बांटे जाएंगे और 22 जनवरी को अयोध्या में लगभग 510 राज्य अतिथि होंगे। जो स्टेट के जो होंगे राज्य अतिथि वो करीब 500 से ज़्यादा राज्य अतिथि होंगे। आप सोचिए कितने बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में करीब 8000 मेहमान आएंगे। तो 500 से ज़्यादा जो गेस्ट होंगे हमारे, जो राज्य अतिथि होंगे और 8000 से ज़्यादा मेहमान हैं जिनको न्योता दिया गया है, उनके आने की उम्मीद है। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि 9 बजे से लोग बैठने लग जाएं और 11 बजे तक, 10:30 तक सब लोग बैठ जाएं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो आने का रास्ता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का रूट रहेगा, उसमें जो क्रिस क्रॉस हो रहे हैं दोनों रास्ते, उसको मिनिमम अफेक्ट हो माननीय प्रधानमंत्री जी का रूट, इस प्रकार से रूट को प्लान किया है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लास्ट तक भी, जो लोग लेट हो जाते हैं, नहीं पहुँच पाए किन्हीं कारणों से, उनको भी हम लोग लास्ट तक अकोमोडेट कर सकें। एक कट ऑफ फिर भी रखना पड़ेगा ताकि सिक्योरिटी ब्रीच के इशूज अराइज हो सकते हैं। तो आपने देखा क्या कुछ खास तैयारी है, कितने मेहमान आने जा रहे हैं, ये सब तैयारी है।